इज दिस मैन, सोनम वांगचुक। हम सब लोगों को इन्होंने इस साल बहुत कुछ सिखाया है, चाइना को बुलेट से नहीं वॉलेट से कैसे जवाब देते हैं ये बताया। लेकिन सोनम सर की रियलिटी क्या है? सोनम वांगचुक सर के बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे उनके एक सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला, और अब मैं चाहता हूँ कि ये प्लान सीक्रेट ना रहे। टुडे ऑन टीचर्स डे वी वांट टू टेल यू द रियल स्टोरी ऑफ मिस्टर सोनम वांगचुक। तो कोई इडियट ही होगा जो इस स्टोरी को शेयर नहीं करेगा। हम ऐसे ही भारत के सीक्रेट हीरोज की स्टोरी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये कहानी है असली रैंचो की। वो रैंचो नहीं जो फिल्म खत्म होने के बाद अपना कैरेक्टर छोड़ देता है, बल्कि वो रैंचो जो अपने साथ साथ पूरे लद्दाख का कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। लद्दाख, गेस कीजिए 20 साल पहले 10th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे पास होते थे? 100 में से सिर्फ 5। व्हाई? इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे स्मार्ट नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि स्कूल स्मार्ट नहीं थे। लद्दाख का प्रॉब्लम क्या है? लद्दाख के बच्चों को टेक्स्ट बुक की बातें समझ में ही नहीं आती थी। लद्दाख लुक्स लाइक दिस, इट्स अ कोल्ड माउंटेन डेजर्ट। जिस बच्चे ने सी वेव्स को कभी सुना ही नहीं है, उसे टाइडल एनर्जी कैसे काम करती है ये बुक्स में पढ़कर कैसे समझेगा? प्लस 8th स्टैंडर्ड तक उनके टेक्स्ट बुक्स उर्दू में हुआ करती थी, फिर उसके बाद इंग्लिश, और ये दोनों लैंग्वेजेस उनके लिए फॉरेन लैंग्वेजेस थी। यानी पहले एक फॉरेन लैंग्वेज सीखो, फिर फॉरेन कॉन्सेप्ट्स को समझो। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चा पढ़ना ही क्यों चाहेगा? यहाँ अगर कोई और होता तो कहता कि एजुकेशन में दम नहीं है, पढ़ लिख कर कुछ फायदा नहीं। लेकिन सोनम सर का एजेंडा उससे बड़ा था, रेवोल्यूशनाइजिंग आवर एजुकेशन। सोनम सर ने खुद लद्दाख में ये प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस किया था, उन्हें समझा था। सो ही आस्क्ड हिमसेल्फ अ क्वेश्चन, स्कूल्स कैसे होने चाहिए, जहां हमें एक पढ़ा लिखा स्लेव बनाया जाता है या हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ही ब्रॉट टुगेदर सम इंस्पायर्ड पीपल एंड स्टार्टेड सेकमॉल। एक ऐसा स्कूल जो स्कूल नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर्स और टीचर्स स्टूडेंट्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को खुद सिखाते हैं, और कौन सिखाएगा ये डिसाइड होने के लिए यहाँ पर इलेक्शन होता है। बच्चों को बचपन से ही वोट करना, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि सिखाते कैसे हैं। बच्चों की इमेजिनेशन चार दीवारों में कैद ना हो, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान मिले, यही इस स्कूल की आइडिया है। यहाँ लद्दाख के लिए रेलेवेंट बुक से पढ़ाया जाता है। बच्चों ने देखी हुई, खुद एक्सपीरियंस की हुई चीज जब वो पढ़ते हैं, तब इंस्टेंट कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, और फिर याद रखना भी आसान हो जाता है। और रिजल्ट, लद्दाख में जहाँ पर सिर्फ 5% बच्चे पास होते थे, आज 75% बच्चे पास होते हैं। लद्दाख की लिटरेसी रेट हमारे नेशनल एवरेज से ऊपर है, और इस साजिश में सोनम सर और सेकमॉल का हाथ है। लेकिन फिर भी जो बच्चे फेल होते हैं उनका क्या? क्या वो लाइफ में भी फेलियर है? नो। सेकमॉल के फाउंडेशन या प्रोग्राम में उन्हें प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं। इंग्लिश, लेकिन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश जो उन्हें काम आए। साइंस, लेकिन ऐसा साइंस जो उन्हें डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। फोकस एग्जाम से हटकर जब स्टूडेंट्स पर आ जाता है तो स्टूडेंट्स को लाइफ में जीतने का कॉन्फिडेंस मिलता है। बुद्धिज्म में एक सेइंग है, तितली को गार्डन में लाने का एक ही तरीका है, अपने गार्डन को तितली के लायक बनाओ, और सोनम सर ने वही किया। सेकमॉल से उनका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि एक टीचर के काम की शुरुआत स्कूल से होती है, लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर उनका काम खत्म नहीं होता। लद्दाख के वाटर क्राइसिस का सलूशन ढूंढने के लिए उन्होंने आइस स्तूपा टेक्निक लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और समर में यहाँ के फार्मर्स को पानी नहीं मिलता, तो क्यों ना रिवर्स के पानी को फ्रीज करके स्टोर किया जाए जो बाद में यूज हो सके। बिकॉज ऑफ दिस आइस स्तूपा, सोनम वांगचुक सर वन द प्रेस्टीजियस रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज इन 2016। उन्हें मिलने वाले 1 करोड़ रुपयों का उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे लद्दाख के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। He donated it to Himalayan Institute of Alternatives, जहां सिर्फ educated citizens ही नहीं, responsible citizens बनाए जाते हैं। क्या ये जरूरी है कि सिर्फ negative चीजें expose हों? हम जितनी energy negative चीजों को expose करने में लगाते हैं, उतनी ही energy अगर positive चीजों को expose करने में लगाएं, तो शायद हमें हमारे real heroes साफ दिखने लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका काम और expose हो, तो आप help कर सकते हैं। Right now you can nominate your local heroes for Padma Awards. Great people who deserve their stories to be told. मैं मेरी तरफ से सोनम सर को पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने वाला हूँ। सोनम सर की बातों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन उनके काम के बारे में और जानने पर उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। आज हमने एक अच्छे टीचर के कुछ अच्छे कामों को एक्सपोज किया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। एंड थ्रू हिज वर्क सोनम सर वांट्स टू रिमाइंड अस ऑफ द सेम। यू सी दैट्स हिज सीक्रेट। और ऐसे अच्छे कामों को एक्सपोज करने से मुझे फर्क पड़ता है।